इस प्रकृति की सुंदरता के साथ, इन स्थानों के साथ सबसे दुखद पहलू यह है कि जैसे जैसे इंसानी घुसपैठ बढ़ी है, वैसे वैसे इन स्थानों की सुंदरता को इंसानी घुसपैठ ने नाश कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बहुत सारे कचरे पड़े हैं, लोगों ने शराब पी है और उसके साथ साथ शराब तो पी, अच्छी बात है पी लिया, पर उसके साथ ही उन्होंने उन कांच की बोतलों को फोड़ भी दिया है। मैं आपको एक एक कर दिखाता हूँ कि लोग किस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये देखिए, शराब पीने के बाद बोतलें फोड़ी गई हैं, इन स्थानों पर बहुत सारे दोना पत्तल पड़े हुए हैं, ये देखिए प्लास्टिक की बोतलें। लोगों में समझदारी नाम की बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है, यह देखिए। और हम नीचे जाऊँगा तो ऐसे ढेरों हैं, आपको कचरे नज़र आएंगे। जब हम पहले आते थे तो लोगों की पहुँच यहाँ तक नहीं थी और इसलिए यह जो झरना है बचा था, पर अब देखिए सभी तरफ आपको कचरे ही कचरे नज़र आएंगे। ये दोना पत्तल, सीसी, और हमने पिछले साल यहाँ सफाई अभियान भी चलाया था, पर अब जानते हैं कोई एक बार सफाई कर सकता है, कितनी बार करेगा। तो इसके कारण एक बार फिर से जगह जो है प्रदूषित हो गया है, और इसका कारण कोई और नहीं, हम ही हैं। मैं आया, मैं भी यहाँ से कचरा फेंक कर चला गया, कोई दूसरा आया उसने भी यही काम किया। तो इस तरह से यह जो जगह है धीरे धीरे गंदा होता जा रहा है। यह देखिए, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको कचड़े ही कचड़े नज़र आएंगे। तो ऐसा ना करें, जब भी आप ऐसे प्राकृतिक स्थान पर आते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, जो भी खाने की चीज़ें प्लास्टिक लेकर आते हैं आप उसे वापस ले जाएं और उसका उचित निपटान करें, ताकि अगली बार जब आप फिर से इन जगहों पर आएं तो आपको एक सुंदर सा वातावरण मिले, एक अच्छा वाटरफॉल मिले, ताजगी मिले, ठंडकता मिले। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन स्थानों को बचा कर रखें, ताकि भविष्य में इसकी सुंदरता को आप और नए रूप में, निखरा हुआ रूप में देख पाएँ। थैंक यू।